हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास थर्ड के बच्चों को चैप्टर 17 पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर का नाम है आकाश में चमकने वाले बिजली, जिसको हम लोग तर्ज करते हैं। पेज नंबर हो गया 92 से लेकर के 94 तक। तो सबसे पहले आप लोग अर्थ शब्द और अर्थ को देखिए। बूंदाबांदी मीन्स होता है हल्की बारिश, प्रयास मीन्स होता है कोशिश, नदान मीन्स होता है नासमझ, फैलाव मीन्स होता है विस्तार, वास्तविक मीन्स होता है असली, मात्रा मीन्स होता है परिमाण, उत्पन्न मीन्स होता है फैला, समाप्त मीन्स होता है खत्म, एकत्रित मीन्स होता है इकट्ठा, वैज्ञानिक मीन्स होता है विज्ञान को जानने वाला, वेग मीन्स होता है बहाव, और आवेशित मीन्स होता है विद्युत के प्रभाव से युक्त। बच्चों ये शब्द अर्थ हुआ। अब इसके बाद आप लोग रीडिंग को सुनिए और कहानी का अर्थ भी समझिए। आप लोग चैप्टर का अर्थ भी मैं समझा रही हूँ। आज प्रातः काल से ही मौसम खराब हो रहा था। हल्की बूंदाबांदी के साथ आकाश में बिजली कड़क रही थी। माँ रसोई घर में नाश्ते की तैयारी कर रही थी। दिल्ली से अमन की बुआ जी आई हुई थी। वह एक विद्यालय में विज्ञान की शिक्षिका हैं। अमन ने अपनी बुआ जी से पूछा, बुआ जी आकाश में बिजली क्यों चमकती है? ये कहानी अमन की है। ये बरसात के दिनों में जो बूंदाबूंदी होती है उसमें रह कर रुक रुक कर बिजली चमकती है। तो माँ रसोई घर में खाना बना रही थी और बूंदाबांदी हो रही थी, तभी अमन की बुआ आई। वह एक विज्ञान की शिक्षिका थी। तो आने के बाद अमन ने पूछा अपनी बुआ से कि बुआ जी आकाश में बिजली क्यों चमकती है? बुआ जी ने कहा, अमन इसका एक वैज्ञानिक कारण है। अमन, बुआ जी मेरा मित्र सौरभ तो कुछ और कह रहा था। अमन ने कहा कि बुआ जी आप कह रहे हैं कि वैज्ञानिक कारण है, लेकिन मेरा मित्र सौरभ इसके बारे में कुछ और ही कह रहा था। बुआ जी अच्छा मैं भी तो सुनूं सौरभ क्या कह रहा था। बुआ जी बोली कि अच्छा मुझे बताओ तुम कि सौरभ क्या कह रहा था, मैं भी सुनूं। अमन, बुआ जी सौरभ कह रहा था कि, बुआ जी हाँ हाँ बोलो सौरभ क्या कह रहा था। अमन सौरभ के बारे में कुछ कहकर चुप हो गया। तो बुआ जी ने कहा कि हाँ हाँ शर्माओ ने बताओ कि वह क्या कह रहा था। अमन, बुआ जी सौरभ कह रहा था कि आकाश में जो बादल होते हैं वे अपनी टॉर्च की रोशनी जलाकर देखते हैं कि कहाँ कहाँ बारिश नहीं हुई है, फिर वही बारिश कर देते हैं। अमन ने कहा कि बुआ जी मेरा मित्र सौरभ कहता है कि बादल, आकाश में जो बादल होते हैं वे अपने टॉर्च को जलाकर देखते हैं, जहाँ जहाँ पे बारिश नहीं होती है वहीं पर वे बारिश कर देते हैं। बुआ जी उनके बातों को सुनकर हंसती है। बुआ जी हंसते हुए, नहीं अमन, तुम और तुम्हारा मित्र सौरभ बहुत नादान हो, बिजली चमकने के पीछे एक वास्तविक कारण है। बुआ जी सुनकर के हंसने लगी और उसने कहा कि नहीं, तुम और तुम्हारा दोस्त जो है तुम लोग बहुत नादान हो, ना समझ हो। देखो बिजली चमकने का एक वास्तविक कारण है, उसको मैं तुम लोग को बतला रही हूँ। अमन, वह क्या है बुआ जी मुझे भी बताइए। बुआ जी ठीक है अमन, फिर ध्यान से सुनो। बादलों के बीच पानी की छोटी छोटी बूंदों की नमी रहती है। हवा और इन बूंदों की टकराव से बूंदे आवेशित हो जाती है। आवेशित बूंदे वाले बादल जब आपस में टकराते हैं तब उनसे बिजली पैदा होती है। बुआ जी ने कहा कि बादलों के बीच पानी की जो छोटी छोटी बूंदे होती है वह बूंदों की नमी हो जाती है। बादलों के बीच में पानी, बादल जो होते हैं उसके बीच में पानी की छोटी छोटी बूंदों की नमी हो जाती है, और वे बूंदे जो है जब बादलों की टकराहट होती है तो ये आवेशित होती है, यानी गर्म होती है, और आवेशित जो बूंद होती है जब बादल से टकराते हैं तो क्या होता है कि बिजली चमकती है, पैदा होती है और बिजली चमकती है। अमन, बुआ जी बिजली चमकती है फिर बंद हो जाती है, इसके बाद फिर चमकती है, ऐसा क्यों होता है? अमन कह रहा है कि बुआ जी बिजली चमकती है फिर बंद हो जाती है, फिर चमकती है फिर बंद हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? बुआ जी, अमन तुमने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि एक बार उत्पन्न होने वाली बिजली की सारी मात्रा एक चमक के साथ ही समाप्त हो जाती है। दोबारा बादलों के टकराने पर बिजली फिर एकत्रित हो जाती है। इस प्रकार बिजली के बनने और समाप्त होने का क्रम चलता रहता है। बुआ जी ने कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एक बार जब बिजली चमकती है तो उसकी सारी मात्रा जो है एक चमक के साथ ही समाप्त हो जाती है, फिर वह जो है दोबारा बादलों के टकराने पर बिजली फिर एकत्रित होती है और फिर वह चमकती है, ऐसे करके बिजली बार बार चमकती है। अमन, बुआ जी आकाश में बिजली चमकने के कुछ देर बाद बादलों की गड़गड़ाहट क्यों सुनाई देते हैं? फिर अमन पूछ रहा है कि बुआ जी जब बिजली चमकती है तो उसके कुछ देर के बाद बिजली की गड़गड़ाहट क्यों सुनाई देती है, पहले क्यों नहीं सुनाई देती है? बुआ जी ने कहा, बेटा बिजली जब चमकती है तो उसके निकट की वायु का ताप बढ़ जाने के कारण वायु फैलती है। वायु के इसी फैलाव का ध्वनि की तरंगे उत्पन्न होती है, जिसे हम बादलों की गड़गड़ाहट कहते हैं। क्या होता है कि जब बिजली चमकती है तो उसके निकट की वायु का ताप जो है वह क्या होता है, ताप जो होता है बढ़ जाने के कारण वायु फैलता है, और फैलने जब वायु जब फैल जाती है वहां पर तो इसी फैलाव का ध्वनि की तरंगे उत्पन्न, जब वायु फैलती है वायु
तो क्या होता है, ध्वनि की तरंगे उत्पन्न होती है वायु के फैलने से, जिसे हम लोग बादल की गड़गड़ाहट कहते हैं। यह ध्वनि बिजली चमकने के साथ ही उत्पन्न होती है, किंतु हमें यह कुछ देर बाद सुनाई पड़ती है। जानते हो ऐसा क्यों होता है? यह ध्वनि जो है बिजली चमकने के साथ ही उत्पन्न होती है, गड़गड़ाहट जो है बिजली चमकने के साथ ही उत्पन्न होती है, लेकिन कुछ देर के बाद क्यों सुनाई देती है, इसका भी एक कारण है। अमन, नहीं बुआ जी मैं नहीं जानता कि आप ही बताइए, रावण कह रहा है कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, आप ही बताइए। बुआ जी वास्तव में प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से बहुत अधिक होता है, प्रकाश का वेग जो होता है वह ध्वनि के वेग से बहुत ही अधिक होता है, इसलिए पहले बिजली चमकती है उसके बाद बादल की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। इसलिए चमकती हुई बिजली के प्रकाश तरंगे हमारे पास शीघ्र पहुंच जाती है और ध्वनि तरंगे कुछ देर पश्चात, यानी प्रकाश का जो वेग होता है ध्वनि के वेग से बहुत अधिक होता है, इसलिए सबसे पहले बिजली चमकती है और कुछ देर के बाद बादल की गड़गड़ाहट सुनाई देता है, यानी बादल गरजता है। अमन, बुआ जी वह देखिए अभी कितनी तेज से बिजली चमकी। फिर अमन अपनी बुआ जी को दिखा रहा है, बुआ जी हाँ लेकिन अब तुम जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर हम लोग मौसम ठीक होने पर घूमने चलेंगे। अमन ठीक है बुआ जी, सचमुच बुआ जी आप कितनी अच्छी है, मुझे आपने बिजली के बारे में इतनी सारी जानकारी दी, अब कल मैं अपनी कक्षा में अपने मित्रों को भी बताऊंगा। अमन बुआ जी की बातों को देख करके बहुत खुश हुआ और उसके बाद बुआ जी ने कहा कि तुम जाओ तैयार हो जाओ, बरसात का मौसम है, जब पानी बारिश होना रुक जाएगा तो हम लोग घूमने के लिए चलेंगे। उसको सुन करके बिजली के बारे में अमन जो है बहुत खुश होता है और कहता है कि बुआ जी आप कितनी अच्छी हैं कि मुझे इतनी सारी बातें बताई। बच्चों को जब अपना प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तो बच्चे बहुत ही खुश होते हैं, वे कुछ जानना चाहते हैं, उत्सुकता उनको जिस चीज की होती है अगर वो चीज उन्हें बतला दिया जाता है तो उन्हें खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। इस तरह से अमन बहुत ही खुश हुआ और वह तैयार होने चला गया। उसके बाद जो है उसने कहा कि ठीक है मैं इसके बारे में जब अपने क्लास में जाऊंगा तो अपने कक्षा में मित्रों को भी ये सारी बातें बताऊंगा। इस तरह से बच्चों ये चैप्टर समाप्त हुआ, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ दूसरे सप्ताह में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट। पीडीएफ आप लोगों का भेजा गया है, पीडीएफ भेजा जा चुका है, उसको आप लोग लिखेंगे और फिर को भी कंप्लीट करेंगे, साथ ही हम लोग अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।